मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपको क्या एक साल में कितना इंटरेस्ट बैंक ने दिया है, क्या आपको पता है। मैं आज बताने वाला हूं HDFC बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शुरू से आखिर देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। डाउनलोड करने सिंपल क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च में आपको टाइप करना है HDFC बैंक नेट बैंकिंग। सर्च करने सबसे ऊपर ही लिंक जो मिलेगा नेट बैंकिंग HDFC बैंक, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी इंटर कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए इंटर कर देते हैं। यूज़र आईडी आपको बहुत आसानी से पासबुक में मिल जाएंगे, आपको वहाँ से ले लेना है और आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। मैंने यूजर आईडी कस्टमर आईडी मैंने इंटर कर दिया, उसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड इंटर कर देना है। अगर पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए फॉरगॉट आईपिन पासवर्ड पे क्लिक करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। मैंने बहुत सारा वीडियो पहले बना रखा, अगर आप नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, वहाँ बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ और लॉगिन कर लेते हैं। ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना, रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आपको अकाउंट को सिलेक्ट करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करना है। यहाँ से अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप पुराना 2 साल पुराना देखना चाहते हैं कि कितना इंटरेस्ट आपको मिला है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप करेंट फाइनेंशियल ईयर्स को देखना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको क्या सिंपल आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये देख सकते हैं मेरा ये डाउनलोड हो चुका है, यहाँ बहुत सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर पीरियड भी दिखा रहा है, जैसे 1/4/2020 और 1/1/2021 तक का ये दिखा रहा है। ठीक है, और क्रेडिट इंटरेस्ट मेरा कितना मिला है, 94 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, आपको एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं पिछले साल के मैं आपको दिखाते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स पर क्लिक करते हैं और उसका डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीरियड डेट दिखा रहा है 1/4/2019 से लेकर 31/3/2020 तक का ये दिखा रहा है। ठीक है, और मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला है, 155 रुपये मिले हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा सीधा आप उसे देख पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।